हेलो एवरीवन, अज असी करांगे यूनिट 7th प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। असी दो एप्लीकेशन पास्कल लॉ की डिस्कस करांगे। सब तो पहला तो पास्कल लॉ, जिदा कि तुहानू पहला दस्या गया कि पास्कल लॉ की हैगा कि अगर तुसी किसी कंटेनर दे विच लिक्विड फिल किया होया तो कंटेनर की वाल्स से हर साइड पर लिक्विड जो है वो इक्वली प्रेशर जो है वो लगाएगा। ये नहीं होगा कि किसी साइड पर लिक्विड जो है ज़्यादा प्रेशर लगाएगा और किसी साइड पर घट प्रेशर लगाएगा। पास्कल ने सानू ये स्टेटमेंट दी अपने लॉ दे विच कि अगर तुसी किसी कंटेनर दे विच लिक्विड नू फिल किया होया तो अगर तुसी किसी कंटेनर दे विच लिक्विड नू फिल किया होया तो जो जिहड़ा लिक्विड इस कंटेनर दे विच इनक्लोज्ड हैगा वो इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, एवरी पोर्शन ऑफ वाल्स ऑफ द कंटेनर। मीन्स कि जो कंटेनर की वाल्स है किसी भी पोर्शन ते अगर लिक्विड प्रेशर लगा रहा है तो हर एक पोर्शन ते जो प्रेशर लगाएगा वो इक्वली लगाएगा, ठीक है। ये पास्कल ने अपने लॉ दे विच दस्या सीगा। हुण इस लॉ दे बेस ते ही कुछ एप्लीकेशनस है इहदियां, जिहड़ी कि पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। जिदा कि सानू सारयां नू पता है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो असी हैवी लोड उठाउण दे लई यूज करते हैं, ठीक है। और हैवी लोड उठाउण दे लई यूज करते हैं और ये किस तरह वर्क करती है, ठीक है, किस तरह असी इसनू यूज करते हैं सब तो पहला तो उही डिस्कस करांगे, ठीक है। तो सब तो पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो असी हैवी लोड उठाने लिए यूज करते हैं, लिखांगे इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी लोड्स, इट्स वर्किंग इज बेस्ड अपॉन पास्कल्स लॉ। देखो जी, वर्किंग डिस्कस करते हैं हम। असी सब तो पहला असी सी एंड डी आर टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सब तो पहला असी की ले लिया, असी दो सिलेंडर ले ले सी ते डी। एक दा एरिया एक ए सिलेंडर है, एक ए सिलेंडर है, ठीक है। एक पाइप दे नाल ई पाइप दे नाल इन्हां नूं असीं अटैच कीता होया, ठीक है। एक दा एरिया असीं मान लिया समोल ए, ओ दूसरे दा एरिया असीं मान लिया कैपिटल ए। ये दोनों सिलेंडर, ठीक है, ये दोनों दा एरिया असीं सी ते डी दे विद रिस्पैक्ट टू असीं सपोज कर लिया, ठीक है। हुण देखो एरिया जिहड़ा ए है वह लैस दैन हैगा कैपिटल ए तो। मीनस कि जो सिलेंडर सी हैगा उहदा एरिया जिहड़ा हैगा वह लैस दैन हैगा सिलेंडर डी तो, ठीक है। देखो लैट ए फोर्स एफ इज अपलाइड ऑन पिस्टन सी। देखो एक गल मैं तुहानू दसना भुल गया, इन्ह दोनों सिलेंडर के उपर अं पिस्टन लगाए हुए हैं, ठीक है। एक ए पिस्टन लगाया, एक ए पिस्टन लगाया, जिसनों मैं, ठीक है, इस लाइन के नाल मैनशन किया हो, ठीक है। दो पिस्टन जोड़े है इन्ह दोनों सिलेंडर के उपर की किया हो अटैच किया हो, और इन्ह सिलेंडर के असी एक इनकंप्रैसीबल लिक्विड जोड़ा वह फिल किया हो, ठीक है। इनकंप्रैसीबल लिक्विड फिल किया क्योंकि अं पास्कल लॉ नूं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पास्कल लॉ की करता है लिक्विड के उपर ही उन्हें दस्या हो कि लिक्विड अगर किसी कंटेनर दे विच हैगा तो उस कंटेनर की वाल्स के उपर इक्वली प्रैशर जिहड़ा आ वह लगाएगा। इस करके इस इन सिलेंडर के लिक्विड फिल करता और फ्रिक्शनलैस पिस्टन जो हैगे है वह दोनों साइडा से अटैच किए हुए हैं। हुण असी एक पिस्टन से सी साइड पर जिहड़ा पिस्टन है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਸਮਾਲ ਐਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ
तो उस प्रेशर का फॉर्मूला भी होगा, अगर तुम इतने फोर्स लगाते हो स्लीकोर के एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर पैदा होगा, उस प्रेशर का फॉर्मूला की होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्म द फोर्स ओवर एरिया, फोर्स इतने लेंदे पे हो स्मॉल एफ, एरिया की लेंदे पे हो स्मॉल ए। हुण देखो नैक्सट, देखो अगर तुम पास्कल लॉ इतने अपलाई कर दो तो पास्कल लॉ की तुम्हें कहना पाया, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वल टू द पिस्टन ऑफ सिलेंडर डी। यही गल तुम्हें पहला भी दसी है कि अगर लिक्विड प्रेशर लगाएगा किसी सिलेंडर से तो हर पॉइंट से प्रेशर जो सेम लगेगा, वो यही चीज कहता पे अगर ते पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग तुम चलते हो, यदा मतलब कि जो पिस्टन डी के उपर प्रेशर लगेगा वह भी सेम लगेगा, जिन्ना प्रेशर इधरों एग्जर्ट होया उन्ना ही प्रेशर इस पिस्टन के उपर लगेगा, और इस पिस्टन के उपर असी एक लोड रखा हुआ, ठीक है, बोक्स एक लोड रखा हुआ, जो अपवर्ड प्रेशर लगेगा तो इनू उपर नू उठा देगा, ठीक है, ये इहदा काम करन दा तरीका हैगा, ये काम करता इस प्रोसैस दे नाल, ठीक है। हुण अगर जो तुसी अपवर्ड फोर्स लगाई है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स जो तुसी लगांदे पे हो, अपवर्ड फोर्स नू असी मान लैने आ इत्थे जो अपवर्ड फोर्स लगेगी उनू असी एफ मान लिया, कैपिटल एफ, ठीक है। हुण फोर्स दा फार्मूला की हुंदा, प्रेशर इंटू एरिया, हुण प्रेशर जिन्ना ये लिक्विड इत्ते लगाएगा वह प्रेशर और जिन्ना इस सिलेंडर का एरिया है, ठीक है, उन्होंने असी लिख लिया पी ए। हुण इत्थे प्रेशर किन्ना लगता पाया, जिन्ना इस साइड तो प्रेशर आया और इस साइड तो प्रेशर किन्ना एग्जर्ट होता पाया, स्मॉल एफ बाय ए, तो इत्थे तुसी पुट करोगे एफ बाय ए इंटू कैपिटल ए, ए तुसी की कैलकुलेट कर लिया अपवर्ड प्रेशर जो कि डी पॉइंट पर लगता पाया, ठीक है। अगर मैं इस रिलेशन थोड़ा जा मोडिफाई करदा, ए बनया कि एफ इज इक्वल टू एफ बाय ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, मैं ए एफ नू इधर रेसिप्रोकल विच करता, एफ ओवर एफ इज इक्वल टू एरिया ओवर एरिया, ठीक है, ए मैं एक रिलेशन जेड़ा है इस एक्सप्रेशन तो मोडिफाई किया है। अगर तुसी इस रिलेशन दे विच देखो तो तुहानू मैं पहला स्टार्टिंग दे विच की कहा सीगा कि एरिया जो सी साइड ते है वह घट हैगा जो एरिया जो डी साइड ते है, ठीक है। तो इस रिलेशन तो यह सू लगता है अगर एरिया ज्यादा, ठीक है, जिस साइड से एरिया ज्यादा, ठीक है, ए कैपिटल ए की ज्यादा, यदा मतलब ए ज्यादा और ये सामने विद रिस्पैक्ट टू फोर्स भी जी होगी वह भी ज्यादा होगी, मीनस कि अगर तुम कहते हो कैपिटल ए वाला एरिया जो है वह समॉल ए दे एरिया तो ज्यादा, तो कैपिटल ए के विद रिस्पैक्ट टू है कैपिटल एफ से, मीनस कि इस साइड से जो अपवर्ड फोर्स लगेगी वह ज्यादा लगेगी, ठीक है, वो इसका मतलब देयर फोर अपवर्ड फोर्स ग्रेटर दैन समॉल एफ, मीनस कि यह की शो करता पाया सू एप्लीकेशन, यह शो करता पाया समॉल फोर्स अगर तुम अपलाई करते हो समोलर पिस्टन के उपर, ठीक है, ते ओ तानू एक लार्ज फोर्स लार्जर पिस्टन दे उपर अपेयर होके मिलेगी, मीनस कि अगर तुसी स्मॉल साइज दी फोर्स भी लगांदे हो इस पिस्टन ते ते बहुत ज्यादा हैवी अपवर्ड फोर्स इस पिस्टन ते तानू अपेयर मिलेगी, जिदे नाल लोड जेड़ा बड़ी आसानी नाल हैवी तो हैवी लोड जेड़े है उठाए जा सकते हैं, एक समॉल फोर्स लगाने दे नाल भी वो लोड उठाया जा सकता, क्योंकि इस साइड ते जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स है वो अपेयर होगी बहुत ज्यादा अपेयर होगी, ठीक है, वो क्यों ज्यादा अपेयर होगी, तुसी पास्कल लॉ दे विच वेख्या भी अगर जिस पिस्टन का एरिया ज्यादा होएगा जिस साइड से उस साइड से फोर्स जो है वह ज्यादा होगी, ठीक है, अगर एरिया ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स नाल अपवर्ड फोर्स दे ते इहदा मतलब इस साइड से फोर्स भी ज्यादा होगी, मीनस कि अगर तुसी बिल्कुल समालर फोर्स भी लगाते हो तो लार्जर एरिया वाली साइड से तुहानू बहुत हैवी अपवर्ड फोर्स मिलती है जिदना तुम ईजीली लोड न उठा सकते हो, यही तो एप्लीकेशन हैगी है पास्कल लॉ की, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट की।